देखिए, यूपी में जो क्लीन यूपी चल रहा है वो मैं मानती हूँ कि अच्छी बात है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे पहले भी वर्तमान जो सरकार काम कर रही है वो पूर्वभूत की भी सरकारें जो रही हैं वो अतीत की ऊपर और जो भू माफियाओं और माफियाओं के ऊपर जो कार्रवाई हो रही हैं वो पिछली सरकार भी करती आ रही हैं और करी भी। मगर जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है और जो पिछला चला, तो मुझे ये देखना पड़ा, और मैं क्योंकि भुक्तभोगी हूँ तो मैंने ये देखा कि चीज़ें जब्त तो होती हैं मगर बाद में खुल जाती हैं। तो जब्त तो हो रही हैं मगर ये नियम लगाया जाए, ये कुछ चीज़ लागू किया जाए, क्योंकि ये सरकार वास्तव में इनको परेशान करना चाहती है, या वास्तव में इनकी गुंडाई ख़त्म करना चाहती है, या इनकी माफिया चीज़ें ख़त्म करना चाहती है। तो मुझे ये लगता है कि कुछ स्पेशल करें, स्पेशल इसलिए कि जब तक इनकी चीज़ें, जैसे अभी मुख्तार अंसारी का कुछ ऐसा चला, तो उसमें जब्त के साथ साथ उनकी चीज़ों को ध्वस्त भी की गई। तो इसी तरह से अतीक अहमद के और अतीक अहमद के लोगों का भी करना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि चाहे वो मायावती जी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो किसी की गवर्नमेंट रही हो, अतीक अहमद 5-5 साल जेल में भी रह कर के भी वो बिजनेस करते हैं, उनका कारोबार बढ़ता है, उनका व्यवसाय बढ़ता है, और उनके लोग कमाते हैं। और आप समझ लीजिए, जेल के रहने के उपरांत भी अपना एक विशाल काय संपत्ति बनाते हैं और उसके बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्यों बना लेते हैं और ये कैसे बना लेते हैं? क्योंकि मैं पिछले 15 साल से अतीक अहमद से मुकदमा लड़ रही हूँ, और क्योंकि दुश्मन हूँ, और मैं बहुत चीज़ वो मेरा बंदा नोटिस करता है, बहुत सी चीज़ें मैं उसकी देख रही हूँ, और सब कुछ देखने पर मैं ये मतलब इस तह तक जा पाई हूँ कि अतीक अहमद भले जेल में रहे मगर जो अतीक के रीढ़ के हड्डी हैं, जैसे कि अतीक अहमद जेल में रहते हैं तो उनका पैसा कैसे सरवाइव करना है, उनके पैसा को कैसे डबल करना है, उनका काम कैसे चलाना है, उनका ज़मीन का, उनका ये कारोबार, उनका वो कर, सारे उनके लोग गुर्गे हुए हैं, फैले हुए हैं। और इन अतीक के ऊपर तो कार्रवाई हर सरकार कर देती है, मगर जो वास्तव में अतीक के हैंड्स हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, उनको तो कभी तोड़ा नहीं जाता ना। आप समझ लीजिए, अकबर हैं, आशिक उपमल्ली हैं, और क्या कहते हैं, रफत हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनको मतलब पैसे से, जेल में रहें तो, बाहर रहें तो, हर एक चीज़ से मजबूत करते हैं, वो इनको करते हैं, वो उनको करते हैं। तो इनको क्यों नहीं टॉर्चर किया जाता? भाई, ये अतीक का पैसा लगा के काम किए हैं, और आप समझ लीजिए ये अतीक को भी मजबूत करते हैं, अपने आप को भी मजबूत करते हैं, और इसलिए मजबूत करते हैं कि जब ख़राब समय आएगा तो हम इसी पैसे को अपने आप को बचाव कर पाएंगे। क्योंकि आप समझ लीजिए, अतीक के ऊपर तो कार्रवाई होती है मगर क्या अतीक के उन 50 लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है जो अतीक को रातों दिन उनको मजबूत करने में लगे रहते हैं? उनके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं होती है, ना उनके ऊपर HS लगाया गया, जो कि जितने भी बंदे हैं, मुझे जितने इनके गुर्गे याद हैं, मालूम है, जितने भी हैं सब 25, 30 और 40 मुकदमा से ताल्लुकात रखते हैं, सारे लोगों के ऊपर हैं। मगर आज तक दुख की बात यह है कि उनके ऊपर HS नहीं खोले गए, जल्दी गैंगस्टर के कार्रवाई नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात कि आप अतीक की संपत्तियों को तो करते हो मगर उनके संपत्ति को कभी नहीं छुए, कि अतीक के साथ साथ अतीक का गिराएं और अतीक के साथ साथ उनके भी इमारत को गिराएं, जिनसे कि अतीक की भी कमर टूटे और साथ ही साथ उनके साथ उन लोगों की कमर टूटे और एक दूसरे को ये मदद ना कर पाएं। जब तक इनके पूरे ग्रुप को, इनके गैंग को नहीं परेशान किया जाएगा और इनके संपत्तियों को नहीं नष्ट किया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि अतीक अहमद को पूरी तरह से कोई नष्ट कर पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य है। क्योंकि और आप समझ लीजिए, इलाहाबाद को तो इन लोग ने बहुत पहले बेच दिया, दलित का, OBC का, सबका ज़मीन इन्होंने अवैध कब्जा किया, बंजर बेचा, सब बेच करके ये कमा चुके, और कमा कर चल क्या रहा है कि जब ये देखे कि मेरा समय खराब चल रहा है तो दूसरे बंदों के नाम से यहाँ काम चल रहे हैं, और अपना यहाँ का सब बेच करके कोई लखनऊ में काम कर रहा है, कोई मेरठ में कर रहा है, कोई अलीगढ़ में कर रहा है, कोई बहराइच में कर रहा है, कोई मुजफ्फरनगर में कर रहा है। मैं कहना चाहती हूँ कि जब आपको इनको तोड़ना है
तो एक तरफ से पूरे लिस्ट में काम होना चाहिए, ना कि एक अतीक अहमद, क्योंकि एक अतीक अहमद हो तो उससे लड़ाई की जा सकती है, मगर एक अतीक अहमद तो बड़ा वाला है, उसके साथ साथ छोटे छोटे अतीक अहमद हैं, तो उनको तोड़ना बहुत जरूर। जो मैं 15 साल के अभी मैं लड़ते लड़ते मैं अब समझ पाई हूँ कि कमजोर कैसे होंगे, इनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर होगा, ये आपके समझ में धीरे धीरे आ रहा है। जी जी। और आप योगी सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं, क्या चाहती हैं योगी सरकार से? देखिए, मैं योगी सरकार जी से यही चाहती हूँ कि जो क्लीन यूपी इन्होंने स्टार्ट किया है, मैं उसका समर्थन करती हूँ, करना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि मैं एक पूजा पाल आपके सामने निवेदन कर रही हूँ, शायद मैं 2 बार विधायक रह चुकी हूँ, इसलिए आप भी मेरी बात सुन लेंगे, मगर मेरे जैसे पता नहीं कितनी पूजा पाल अतीक अहमद से परेशान हुई, पता नहीं कितने पतियों की हत्या हो गई, डेड बॉडी तक नहीं मिली, जमीन जायदाद सबसे विहीन कर दिए गए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे शख्स, ऐसे इंसान के ऊपर कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं तो कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करके आप डायरेक्ट तो नहीं मगर इनडायरेक्ट उन परिवार वालों को आप सहयोग कर रहे हैं या करते हैं जो वास्तव में परेशान हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि इस कार्यक्रम को थोड़ा और ईमानदारी से आप अपने अधिकारियों से, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से योगी जी की सोच है, उनके अधिकारी भी इस चीज़ को समझें और ईमानदारी से अतीक के ऊपर कार्रवाई करें, और कार्रवाई करके हम जैसे महिलाओं को, हम जैसे, क्योंकि 70 लाख का जिला है, उसमें से मात्र ऐसे 1-2 गिने चुने लोग हैं जो अतीक अहमद लोगों का विरोध कर पाते हैं, नहीं तो और सारे केसेस मारपीट हुए तो नहीं मुकदमा लिखा जा रहा है, ना कोई लिखवा रहा है, ना कोई लड़ पा रहा है, ना कोई सुनवाई हो रही है, बस ऐसे कहा सुनी में और कलम में लिख करके बंद हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह के जो लोग आपके सामने आ रहे हैं तो उनका आप सहयोग करके उनके उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो रो रहे हैं, परेशान हैं, अतीक से नफरत भी करते हैं, अतीक को पसंद भी नहीं करते हैं, मगर सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि अच्छा मामला आपने खुद ही देखा होगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद सियार्ड्स का कांड देख लीजिए, अतीक अहमद की कितनी गुंडाई है, चरम सीमा पे रही है, सियार्ड्स में गए, राइफल लेकर गए, अपने गुर्गों के साथ गए, वहाँ मारपीट हाथापाई करें, उसके बाद आप एक कांड देखे होंगे मेरे क्षेत्र का ही था, एक बंदे को खुलेआम उसका छोटा भाई अशरफ आजमली दिन दहाड़े जा करके उसको डिवाइडर पे उसका पैर रख के उसको अपने पैर से तोड़ दिया, उसका पैर 2 टुकड़े में विभाजन हो गया, उसके राइफल को 3 टुकड़े में लोहे से, जो लोहे से सरिया काटते हैं उससे काट दिया गया। उसके बाद एक जेल में, आप सोचिए कि अतीक अहमद जेल में रह कर के भी मतलब कि मयंक जायसवाल को मार पीट सकते हैं, तो आप सोचे कि अतीक अहमद की कितनी गुंडई है, और जब मौका मिलता है तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। और मैं अभी मैं लॉकडाउन की बात बता दूं, लॉकडाउन में एक घटना हुई, और क्योंकि मेरे गवाह को ये कहा गया कि जाओ तुम क्या कहते हैं राजू पाल की गवाही देना चाहते हो, जाओ दे दो, तुम सीबीआई को तो दे दोगे मगर सीबीआई कोर्ट में नहीं दे पाओगे, उससे पहले मेरा आदमी उस गाँव में रहता है और मैं चाहूँगा तो तुम्हें 302 में फंसा करके, जैसे पूजा पाल को फंसाया था उसी तरह से मैं तुमको भी फंसा करके जेल भिजवा दूंगा, और देखता हूँ कि तुम्हारी पत्नी रुखसाना और पूजा पाल क्या करती हैं, जेल से थोड़ी ना जेल चले जाओगे तब मैं पूछूंगा, देते रहना गवाही, उड़ते रहना बेटा, तुम्हें मैं देखूंगा, बताइए। तो खुलेआम गुंडई है। तो आज मैं यही चाहूँगी कि जो भी हो ईमानदारी से हो, मैं मुख्यमंत्री जी से भी चाहूँगी और उनके अधिकारियों से भी चाहूँगी कि जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं अतीक के ऊपर, उनका समर्थन करें, उनका सहयोग करें, भले वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्योंकि मैंने देखा 15 सालों में कि अतीक के नाम से कोई, जिसका चाहे जमीन लूट जाए, चाहे घर लूट जाए, चाहे आदमी मारा जाए, चाहे बेटा मारा जाए, चाहे पति मारा जाए, जल्दी कोई मुकदमा लिखवाने की कोशिश नहीं करता।